की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। गली गली से प्रतिभा को मैदान तक लाने वाले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी दिल्ली में खेले जा रहे यमुना चैलेंज ट्रॉफी मैचों में पूरे जोश के साथ खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। जैसे ही समय मिलता है वैसे ही मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने उनके बीच पहुंच जाते हैं। यही नहीं, खुद भी पिच पर बैटिंग करके उनका हौसला बढ़ाते हैं। इसी दौर में बुधवार को सांसद ताहिरपुर खेल परिसर में पहुंचे। उनके साथ वहां खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भाजपा की जानी मानी हस्तियां भी पहुंची, जिसमें ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, जिला अध्यक्ष अजय महावर एवं कैलाश जैन, जनता कॉलोनी पार्षद सचिन शर्मा अपनी टीम के साथ, करावलगा ईस्ट पार्षद एवं डिप्टी चेयरमैन पुनीत शर्मा के साथ अन्य पार्षद एवं भाजपा नेता ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। क्रिकेट मैदान में खड़ी ये भीड़ इस बात को सिद्ध कर रही है कि यमुना चैलेंज ट्रॉफी का उत्साह युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। जनता के बीच बैटिंग करते सांसद मनोज तिवारी के चेहरे की खुशी और उनका जोश इस बात को साबित कर रहा है कि उनको इन मैचों के आयोजन की कितनी खुशी है, जिसका इजहार वे युवाओं के बीच खुद मैच खेलकर कर रहे हैं। इससे पहले तो मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं एक सफल कार्यक्रम के लिए जो खेल के मैदान में हुआ और वो अपने लगभग समापन की तरफ जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्षेत्रीय नागरिकों को भी, उन्होंने अपने अपने वार्ड का बहुत मान बढ़ाया, मंडल अध्यक्षों का, पार्षदों का, जिले के सभी पदाधिकारियों का, और मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया ने इस टूर्नामेंट को बहुत ही अच्छे लेवल पे घर घर पहुंचाने में सहायता करी है। और आज हम लोगों ने एक नया, अपनी लोकसभा के लिए एक सांसद के रूप में मैंने तीसरे और चौथे नंबर के लिए भी मैच होंगे और उसमें कुश्ती में जो रूल्स बनाए गए हैं वो भाग लेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बहाने युवाओं में एक चेतना, ऊर्जा, स्वच्छता, यमुना की स्वच्छता, गलियों की, ये सब में भी काम करने में सफल हो रहे हैं। थैंक्स टू एवरीबॉडी। इन मैचों से जितनी भाजपा खेमे में खुशी की लहर है उससे कहीं ज्यादा इलाके के युवाओं में है। इसी खुशी को शिखर तक ले जाने के लिए सांसद मनोज तिवारी ने यमुना चैलेंज ट्रॉफी का नाम गिनीज बुक तक ले जाने का प्रयास किया है। इससे उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा की जनता काफी खुश है। इस सब का श्रेय वह सांसद तिवारी को ही दे रहे हैं। सांसद जी क्रिकेट के बहुत प्रेमी हैं। उन्होंने अपनी लोकसभा के साथ साथ सारी दिल्ली में अध्यक्ष होने के नाते गली गली से जो युवा निकल कर उनकी प्रतिभा सामने आएगी और वो खेलेंगे और नेशनल तक जाएंगे, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और उत्तर पूर्वी लोकसभा का प्रतिनिधि होने के नाते सांसद जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सांसद को ईश्वर शक्ति दे, वो ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहो। और इसके बाद जब जो लोग जीतेंगे वो क्वार्टर फाइनल के लिए आगे जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण मैच है दोनों टीमों के लिए। इतना महत्वपूर्ण कि आखिरी मैच था ये इस राउंड्स का और इस ग्राउंड में जो राउंड्स चल रहे हैं यहाँ की लोकसभा के, तो अध्यक्ष जी ने कहा, मनोज तिवारी जी ने, कि मैं खुद जाकर ये लास्ट मैच का जो है वो एंड करवाऊंगा और कुछ और अपनी लोकसभा के लिए भी उन्होंने जो खिलाड़ी नहीं खेल पाए, जो टीम नहीं खेल पाई किसी छोटी मोटी गलती की वजह से, उनका भी एक छोटा सा उनको उन्होंने कहा कि एक योगदान मैं करूंगा उनके लिए फाइनेंशियल, उनको आपस में खिला के कुछ इनाम दूंगा। इस तरह की घोषणाएं हुई हैं जो कि बहुत खिलाड़ियों के लिए उत्साहित करने वाला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, कुछ टीमों ने प्रोटेस्ट किया था, उसके लिए भी टेक्निकल कमेटी में मनोज जी ने बैठ करके कुछ उसका रास्ता निकाला है और उनके बीच में इंटर कंपटीशन करके और लोकसभा के अंदर से थर्ड और फोर्थ विनर को निकालने का और उनको इनाम देने का प्रयास किया है। और बाकी टीमें आज भी बहुत अच्छा खेल रही हैं। आज हालांकि लो स्कोर मैच है, 96 पर एक टीम आउट हो गई है, दूसरी टीम बैटिंग करने उतरेगी। और धीरे धीरे जो भाजपा में क्रिकेट का माहौल था काफ़ी चरमत उत्कर्ष पर चल रहा है। पहली सोच बहुत अच्छी सोच, जनता के लिए सोच, बच्चों के लिए सोच, क्योंकि खेल ही भविष्य है। जो क्रिकेट है वो हमारे पूरे भारत के मन में बसता है, तो क्रिकेट की प्रतिभा को निकालना, देश के लिए निकालना, ये बहुत अच्छी सोच है। और इस सोच के तहत जो हमारा यमुना चैलेंज ट्रॉफी चल
पिछली बार यमुना चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन सांसद मनोज तिवारी की लोकसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ था, लेकिन इसकी लोकप्रियता और युवा के जोश को देखते हुए इस बार पूरी दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली। What do you mean?